इसीलिए मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बांटा गया जिसमें दाल थी, आटा था, आलू का इंतजाम किया गया था, घी का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था, दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की, और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बंटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था जिसमें सोलर पैनल होता था, कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल है। समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है और उसमें यह भी तय किया गया था, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता है, बड़ा गठबंधन है। जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया, इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट ने भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग वो लाखों में भी हो सकती है, और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, और अगर हमें लड़ाना भी पड़ेगा तो अपने से लड़ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अच्छा तब ठीक है। नहीं, हम कोई फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने Thank you.
देखिए गरीबी क्यों है और गरीब कौन है ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर टू में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था जो गलत नीतियों से चला, और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षा वित्त योजना किसकी है, केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब बता सवाल आ गया चौकीदार का, हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आप आंकड़े देखिए, आपको कहीं जाना है फिर बैठिए आप, नहीं इनकी बात पूरी खत्म कर देना, ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, इमरान उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी, पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जहां तक सवाल सोशल सिक्योरिटी का है, मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी, ये सरकार ने रोक ली। हम ये कहते हैं कि जब मदद ही होनी है तो हमारे गरीब की मदद हो और उसका सम्मान भी हो। अब ऐसा घर देते हैं 1,20,000 में, वो घर ही नहीं बन पा रहा है, शौचालय ऐसा दे दिया, पहले कांग्रेस ने दिया फिर बीजेपी ने दिया। मैं समझता हूं हमारा साथी जो बैठे हैं वो जानते होंगे, जो कांग्रेस के शौचालय थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो दो गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। न कांग्रेस ने पानी दिया, न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया, और बिना पानी के शौचालय जाओ कैसे, हमारे पत्रकार साथी वहां बैठे हैं बताएं हमें ये। इसलिए हमारी बात सुनिए कि जब समाजवादी आवाज दिया, लोहिया आवाज 3,05,000 का दिया, और अभी खजांची आप भूल गए होंगे, बीजेपी वाले भूल गए, वैसे आप भी भूल गए, वैसे तो लोगों की जान गई नोटबंदी में, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया बैंक में, उसका नाम रखा गया खजांची, और वो एक उदाहरण है कि गरीब को घर कैसा हो सकता है। और समाजवादी लोगों ने और मैंने उसको 48 घंटे में बना करके दिखाया, वो 2 कमरे का घर है, सीढ़ियां हैं उसके अंदर, छत पे पानी की टंकी है, सोलर पंप है, और उसपे सोलर पैनल है जिससे LED बल्ब और पंखे चल सकते हैं। हम गरीब को ऐसा घर और समाजवादी पेंशन और उसकी पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन के साथ आएंगे, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर हो उसका, एक घर हो गरीब का, और उसके पेंशन कुछ हो, इसलिए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जल्दी उस अध्ययन कर करके उस बात को हम कहेंगे आपके बीच। ये दोनों डॉक्टर संजय क्या बोले हैं, डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे हो, हमारी कैसे बात मान लोगे, आप बताओ। हाँ पूछो, किसने कहा मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए इस लड़ाई को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखिए ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे। भाई मुकदमे दोनों पे पहले से हैं, हमें क्या लिखवाना है, मुकदमा दोनों में पहले से है, अगर ना हो मुकदमे दोनों पे तो पहले बताइए आप, बस केवल कार्रवाई होनी है। मुकदमे दोनों लोगों पे हैं कि नहीं है, तो आप दोनों के मुकदमे दिखाइए,
जो चुनाव आयोग को दोनों ने अपना लिख करके दिया है, तो आप दिखाइए उसको। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए भाजपा के प्रचारक कौन हैं, राज्यपाल हैं, सरकारी एजेंसियां हैं और आप लोग नहीं हैं। भाजपा के प्रचारक कौन कौन हैं फिर मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने सुबह सुबह ट्वीट किया था जिससे आप लोगों की जानकारी में आ जाए। मैंने ये कहा कि भाजपा के जो प्रचारक हैं उनमें से राज्यपाल महोदय भी हैं। ये तो हमें खुशी है इस बात की कि राज्यपाल महोदय किसी घटना को अभी देखने गए हैं, जो घटना हुई थी लखनऊ में। हालांकि लखनऊ में बहुत घटनाएं हो रही हैं, और जब हम और आप बैठे हैं तो आप अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली, अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए आप समझ लीजिए, एमएसपी की बात की, जाने क्या क्या बातें की, वादा नहीं पूरा हुआ। इसलिए समाजवादी लोग जो अध्ययन के साथ कहेंगे वो पूरा करने के लिए कहेंगे।